हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इल्यूमिनेशन कंट्रोल यूजिंग डायक एंड ट्रैक, या फिर इसको हम बोलते हैं लैम्प डिमर सर्किट यूजिंग डायक एंड ट्रैक। तो उसके लिए हमने एक ही सर्किट डिजाइन किया है। इसमें आप देखिए, ये इसी सप्लाई है, ये एक लैम्प लोड हमने लिया है जिसको हमें कंट्रोल करना है, इसकी इल्यूमिनेशन को कंट्रोल करना है, इसको कभी डिम या इसको हाई इंटेंसिटी पे हमें ग्लो कराना है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम वेरी करते हैं। इसी को वेरी करके हम लैम्प की जो इंटेंसिटी है इसको हम कंट्रोल करेंगे। ये कैपेसिटर सी है, ये एक हमारा डायक है और ये ट्रैक है। डायक ट्रैक असेंबली का हमने यूज किया है यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे, इनिशियली पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, साइन की पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हम इनिशियली मानेंगे कि अगर क्योंकि ये प्लस से प्लस कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक हमारा बाय डायरेक्शनल होता है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है, लेकिन इसे क्या चाहिए, गेट पल्स चाहिए। तो गेट पल्स हमें कहाँ से मिलेगी, वो डायक से मिलेगी। डायक हमें ऑपरेट कराना है किससे, कैपेसिटर सी से। कैपेसिटर सी के क्रॉस जब ब्रेक डाउन वोल्टेज इक्वल हो जाएगी डायक की ब्रेक डाउन वोल्टेज के, तो ये ब्रेक डाउन होगा और गेट पल्स यहाँ पे ट्रैक को प्रोवाइड कराएगा। क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पे तो कोई करंट इस डायरेक्शन में तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, यहाँ तो करंट जीरो होगा क्योंकि गेट पे अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट इस वाले लूप में आर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू हमारे एक बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे पास होगा। जब तक ये कैपेसिटर हमारा पूरा चार्ज नहीं हो जाता, जब तक हमारा गेट ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि डायक हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑप्टेन डायक के क्रॉस हमारी नहीं होगी। अब अगर हम मान लें कि ये हमारा वी एस है या वी इनपुट है और ये हमारा वी आउटपुट है, अगर हम मान लें कि साइन के अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारा डायक ऑन हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ट्रैक भी हमारा ऑन हो जाएगा और क्या होगा उस समय, सारा का सारा साइन की पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रही है, पॉजिटिव हाफ में अल्फा 90 डिग्री पे अगर हमने एजम्पशन किया है, डायक हमारा ऑन हो जाता है, तो ट्रैक भी ऑन हो जाएगा और जो हमारा करंट है वो यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर हमारा इस तरीके से चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होते डायक का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होते गेट पे ट्रिगर होगी, गेट ट्रिगर होती ट्रैक ऑन हो जाएगा, ट्रैक ऑन होगा तो हमारा सारा करंट यहां से पास हो जाएगा, ठीक है, हमारा लैम्प क्या हो जाएगा, ऑन करेगा या फिर कहेंगे हैविली ग्लो करना स्टार्ट करेगा। तो मैं बोलूं कि मुझे कहां से, यहां तक आउटपुट जीरो रहेगा और इसके बाद मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है, ये मेरा आउटपुट होगा। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा। अब ये कैपेसिटर ये इस तरीके से चार्ज होना स्टार्ट होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगी हमारी क्या होगी, चेंज होगी, रिवर्स होगी इसकी पोलैरिटी। उसके बाद जब डायक को ट्रिगर करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू यहां से 90 डिग्री और आगे, अल्फा इज इक्वल टू 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री पे अगर हम मानते हैं हमारा ट्रिगर होता है, ऑन हो जाता है डायक, तो क्या होगा, यहां तक तो हमारा जीरो होगा, इसके बाद हमारा आउटपुट पे क्योंकि हमारा लैम्प ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसकी इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल होगी, इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल होगी इस रेजिस्टेंस से, क्योंकि यही रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि कैपेसिटर हमारा कितनी जल्दी चार्ज हो और कितनी देर में चार्ज हो। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट जो होगा वो कम फ्लो होगा इस लूप में, कैपेसिटर आपका धीरे धीरे चार्ज होगा और ये डायक और ट्रैक डायक के क्रॉस ब्रेक डाउन लेट थोड़ा लेट होगा, गेट भी थोड़ा लेट ट्रिगर करेगा। तो इसको हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ट्रैक असेंबली का जो ब्रेक डाउन है वो कंट्रोल होगा और इसके कंट्रोल होने से जो हैवी करंट लोड के क्रॉस फ्लो होना है, लैम्प लोड के क्रॉस फ्लो होना है, वो हमारा कंट्रोल होगा। तो एक तरीके से ये जो रेजिस्टेंस आर है, इस आर रेजिस्टेंस का यूज करके हम क्या करेंगे, लैम्प लोड के अक्रॉस इसका इल्यूमिनेशन को हम कंट्रोल करेंगे, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। अब ये लैम्प लोड को अगर हम रिमूव करके यहां पे एक ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल यूजिंग डायक एंड ट्रैक है, अगर हम यहाँ पे लैम्प लोड को रिमूव करके हीटर सर्किट लगा दें तो हीटर की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसे भी हम रेजिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यही रेजिस्टेंस हमारा डायक और ट्रैक असेंबली को हमारा ट्रिगर करेगा।
तो सेम सर्किट हम यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।